वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल एएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हम पोषक पदार्थों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स है और वसा, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और आज हम प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स क्या होता है, सजीवों के निर्माणकारी इकाइयाँ होती है, जिनके बारे में हम आज यहाँ जानेंगे। प्रोटीन्स, आज का टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन, प्रोटीन की खोज मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और प्रोटीन नाम जे बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स में फास्फोरस एंड सल्फर भी प्रेजेंट होता है। पी का मतलब फास्फोरस और एस का मतलब सल्फर। प्रोटीन्स को जीवन की या शरीर की निर्माणकारी इकाइयां भी कहते हैं। शरीर की निर्माणकारी इकाई भी कहते हैं। और प्रोटीन्स का मीन्स होता है, प्रोटीन शब्द का अर्थ होता है प्रथम स्थान। ये तो है, इनकी बेसिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जिनमें फास्फोरस और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। शरीर की निर्माणकारी इकाइयां भी इनको कहा जाता है। प्रोटीन 20 टाइप्स के एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनमें से 10 एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं। और ये आवश्यक अमीनो अम्ल भोजन द्वारा लिए जाते हैं। और इनमें से 10 टाइप्स के एमिनो एसिड अनावश्यक होते हैं, जो जिनका निर्माण बॉडी में ही होता है, जिनका सिंथेसिस बॉडी में होता है, जिनका निर्माण शरीर में होता है, जो अनावश्यक होते हैं। प्रोटीन निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में अल्फा एमिनो एसिड के बीच क्या बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और अनेक पेप्टाइड बॉन्ड मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और ये पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं। यानी कि अल्फा एमिनो एसिड ऐसे ये क्या होती है, एक चेन, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और दो एमिनो अम्लों के बीच क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड दो से अधिक एमिनो अम्लों के बीच बन जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड।
टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, थ्री टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन जिनको शुद्ध प्रोटीन भी कहा जाता है, शुद्ध प्रोटीन, शुद्ध प्रोटीन। सरल प्रोटीन टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन टू टाइप्स के होते हैं। सरल प्रोटीन टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम गोलाकार प्रोटीन के बारे में जानेंगे। गोलाकार प्रोटीन क्या होते हैं कि ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार, आणविक भार क्या होता है, कम होता है। जल में घुलनशील होते हैं गोलाकार प्रोटीन और आणविक भार कम होता है। एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं कि जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ग्लूकागोन, वेसोप्रेसिन, और इंसुलिन, इंसुलिन, ये प्रोटीन हार्मोन होते हैं। और गोलाकार प्रोटीन, इसके बाद अपन रेशेदार प्रोटीन की बात करते हैं। रेशेदार प्रोटीन ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील, और इनका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है, मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है। सरल प्रोटीन है ये केवल क्या होता है, एमिनो एसिड से ही मिलकर बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इनके, रेशेदार प्रोटीन है कीरेटिन, कीरेटिन किस में पाया जाता है, नाखून, बाल और एक्टिन, मायोसिन, मायोसिन, ये अस्थियों और उपास्थियों में प्रेजेंट होते हैं। और इसका सेकंड पार्ट है फाइब्रिन, फाइब्रिन, फाइब्रिन किसकी प्रोटीन है, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन होती है, उसका एक पार्ट होता है फाइब्रिन। सेकंड टाइप्स है इसका सहयुग्मी प्रोटीन, सहयुग्मी प्रोटीन, सहयुग्मी प्रोटीन में एमिनो एसिड, एमिनो एसिड प्लस नॉन एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, यानी उसका दो भाग होते हैं, एक तो एमिनो एसिड होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन एमिनो एसिड, जैसे जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन, फास्फो, फास्फो
प्रोटीन। इन सब में एक तो क्या होता है, सरल प्रोटीन होती है, सब में सरल प्रोटीन होती है, सिंपल प्रोटीन होती है, सिंपल प्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन में एक पार्ट कार्बोहाइड्रेट होता है जो नॉन प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट। और न्यूक्लियोप्रोटीन में सिंपल प्रोटीन तो हिस्टोन होती है, हिस्टोन, और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कीरेटिन, क्रोमेटिन। और लाइपोप्रोटीन में सिंपल प्रोटीन और वसा होती है, ये दोनों मिलके। और क्रोमोप्रोटीन में सिंपल प्रोटीन प्लस वर्णक पिगमेंट्स। और मेटलोप्रोटीन में सिंपल प्रोटीन प्लस मेटल यानी धातु और एंजाइम्स होते हैं। फास्फोप्रोटीन में सिंपल प्रोटीन और फास्फोरिक अम्ल। ये तो हो गए संयुग्मी प्रोटीन। इसका थर्ड पार्ट है व्युत्पन्न प्रोटीन जो सरल प्रोटीन के जल अपघटन से बनते हैं, जैसे पेप्टोन्स और पेप्टाइड। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सरल प्रोटीन के जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, उनको देखते हैं, और संयुग्मी प्रोटीन्स के, जैसे सरल प्रोटीन का एग्जाम्पल हिस्टोन कहाँ पाई जाती है, गुणसूत्रों में एल्बुमिन जो अंडे में पाई जाती है, प्रोलैमिन गेहूं जो मक्का इनमें प्रेजेंट होती है, और एक होता है ग्लूटीन जो धान कणों में प्रेजेंट होती है। ये तो एग्जाम्पल्स है कई बार सरल प्रोटीन के। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, प्रोलेमिन प्रोटीन है, किस पदार्थ में पाई जाती है, ग्लूटीन किस में पाई जाती है, और संयुग्मी प्रोटीन जैसे ओसिन किस में, हड्डियों में, म्यूसिन लार में पाई जाती है, और प्रोलेक्टिन दाल में प्रेजेंट होती है, कैसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। ये हो गए संयुग्मी प्रोटीन के एग्जाम्पल्स जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन के थे। अब प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम्स में रिपीट्स होते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्वासियोर कोर। इसमें क्या होता है, हाथ व पैर पतले हो जाते हैं, और पेट बाहर निकला हुआ होता है। सेकंड है मेरास्मस
सेकंड रोग इससे होने वाला मेरास्मस, इसमें क्या होता है अस्थियां मांसपेशियां क्या हो जाती है वीक हो जाती है कमजोर हो जाती है। स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन्स था और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आगे और नए नए वीडियो आपके लिए बनाऊँ। थैंक्स।